कमेंट्स, अभी किसी का कमेंट था कि बच्चा जो है वो 3.5 ईयर्स का है एंड ओनली स्पीक्स माँ पा। एंड दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि बच्चा जो है वो सिर्फ मिल्क ही पीता है, कोई चीज़ खाता नहीं है, तो क्या करे। ठीक है, सो पहले मैं उसका आंसर ये देती हूँ कि बच्चे का असेसमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा अगर 3.5 साल का है, सिर्फ 2 ही वर्ड बोलता है, प्लस बच्चा सिर्फ मिल्क पीता है, ठीक है, तो हमको ये असेसमेंट करवाना है डॉक्टर के पास जाके। आप पीडियाट्रिशियन की हेल्प ले सकते हो, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन होते हैं, उनकी हेल्प आप ले सकते हो। आप डायरेक्ट अगर नहीं है आइडिया तो आप ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट के पास जाओ, वो भी आपको हेल्प करेंगे कि कहाँ पे जाना है, कहाँ असेसमेंट करवाना है, राइट। एंड दूसरी चीज़ के स्पीच थेरापिस्ट भी आपको हेल्प करेगा, असेसमेंट करेगा कि वर्ड्स इतने ही क्यों बोलता है, ठीक है। एंड मेन चीज़ आपने बताई कि बच्चा सिर्फ मिल्क पीता है और कोई चीज़ नहीं खाता है, तो ये असेसमेंट करवाना है कि क्या बच्चे को और कोई इश्यू है, बच्चे को कोई हाइपर सेंसिटिविटी का इश्यू है, कि क्या बच्चा अगर कोई चीज़ या फूड का पीस अगर यहाँ पे लग जाए तो ऐसे पोंछ लेता है, कि बच्चा क्या और कोई चीज़ करने देता है, जैसे कि ब्रशिंग है, रोज़ सुबह आप ब्रश करते हो तो क्या वो सब चीज़ करने देता है, क्या उसको भी रिजेक्ट करता है अगर, तो इस टाइप का जो असेसमेंट है। एंड मैंने बच्चे को देखा हुआ नहीं है, सिर्फ एक कमेंट से मैं आपको बता नहीं सकती, पर ये आपको थेरापिस्ट के पास जाके ये सारी चीज़ उसकी असेस करवा के उस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। मेरे कोई वीडियोस है सेंसरी इश्यूज करके है, या फीडिंग इश्यूज करके भी वीडियो है, हाइपर सेंसिटिविटी करके वीडियो है, वो सारे वीडियोस आप चेक कीजिए, उससे आपको थोड़ी गाइडलाइन मिल सकती है। एंड और एक जो 2-3 चीज़ मैं आपको टिप्स देती हूँ ना, ये सिर्फ आपको घर पे करवाने के लिए देती हूँ, और मेरा हाईली रिकमेंड है कि आप थेरापिस्ट के पास जाएं, क्योंकि बच्चा सिर्फ मिल्क पीता है तो असेसमेंट करवाना चाहिए। तो मेरी एक टिप है कि जब बच्चा सुबह पे ब्रश करवाता है, ठीक है, तो समटाइम्स बच्चे करवाते भी नहीं है, हाइपर सेंसिटिविटी का अगर इश्यू रहेगा, एंड समटाइम्स वो मुझे नहीं पता, बट जब आप ब्रश करवाते हो ना, तो थोड़ा यहाँ पे लिप पे थोड़ा यहाँ पे थोड़ा करिए घर पे, फिर टंग पे थोड़ा एकदम मालूम, क्योंकि यहाँ पे ना छील नहीं जाना चाहिए, तो एकदम एकदम बच्चे को इस तरीके से आप थोड़ा वो करिए। प्लस जो चीज़ आप उसको खिलाना चाहते हो जब आप लंच करते हो या डिनर करते हो सकता है बच्चा तुरंत पोंछ ले, तो आप उसके हाथों में दोनों चीज़ कुछ दे दीजिए जो उसको अच्छी लगती है, बिजी रखिए एंड थोड़ा उसका थोड़ा वो भी रखिए कंट्रोल में, जब वो एटलीस्ट हाफ मिनट के लिए वो थोड़ा पार्टिकल रखने दे, तो थोड़ा फूड का पार्टिकल ब्रश की मदद से उस पे यहाँ पे लगा के ये कर सकते हैं, या तो आप ऐसे ही थोड़ा, जैसे कि अगर आपको बनाना खिलाना हो फॉर एग्जाम्पल, तो थोड़ा उसका पार्ट आप यहाँ पे लगा दीजिए, हो सकता है बच्चा शुरुआत में इसको रिजेक्ट करे, पर धीरे धीरे वो चीज़ एक्सेप्ट करेगा, तो उसका इफेक्ट उसका खाने में जो आप खिला रहे हो उस पर भी पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ये बनाना का, पर आप एक ही चीज़ से शुरुआत करिए, धीरे धीरे आप 2 चीज़ ले सकते हैं, उस तरीके से आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिस्किट हो, बनाना हो, राइस का पीस हो, ऐसा आपने लगा दिया, ठीक है। तो अगर हाइपर सेंसिटिविटी का इश्यू रहेगा एंड बच्चा अगर रिजेक्ट करता है, तो ये वर्क कर सकता है। एंड बहुत सारे च्यू के लिए मटेरियल आता है, जैसे हम लोग फिंगर ब्रश का यूज़ करते हैं, ऐसे बहुत सारे मटेरियल आते होंगे, जैसे बच्चे को जब टीथ आता है तो यूज़ करते हैं ना टीथर, राइट। तो जो च्यू करने के लिए होता है, बच्चे को च्यू करवाना है ना, चबाना सिखाना है ना, तो बहुत सारे चीज़ रख के आप उसको उसकी च्यू च्यू का प्रैक्टिस करवा सकते हो। जो कर सकते हो वो है ओरो मोटर मसाज एंड टंग मूवमेंट, एंड वो सब वो स्पीच के लिए भी ज़रूरी है एंड ये फीडिंग इश्यू के लिए भी ज़रूरी है, तो उसके लिए मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। एक है स्पीच ट्रेनिंग वीडियो, एक है ओरो मोटर मसाज का प्रैक्टिकल वीडियो,
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा मैंने बताया है उस वीडियो में। प्लीज़ आप एक बार उसको देखिए, उससे आपको थोड़ा हिंट मिलेगा कि आपको किस तरीके से मसाज करवाना है, ब्रश पे थोड़ा ब्रश का यूज़ करके बच्चे को थोड़ी हेल्प करनी है। तो इस तरीके से आप बच्चे को हेल्प कर सकते हैं, ठीक है।